यह है सियाराम साहू, जो खुद दिव्यांग है लेकिन कोरोना महामारी के दौर में मास्क बनाकर देश सेवा कर रहे हैं। सियाराम एक ट्रेन दुर्घटना में अपना दायां हाथ और बाएं हाथ की उंगलियां कटने के बाद भी अपना हौसला बनाए हुए हैं। जब संकट काल में देश सेवा करने का हौसला हो तो शारीरिक अक्षमता भी सामने नहीं आती। पूरा विश्व कोरोना की महामारी के संक्रमण के भयानक दौर से गुजर रहा है और बचाव के सभी साधनों की कमी का सामना पूरा विश्व कर रहा है। ऐसे में होशंगाबाद जिले की बनखेड़ी के दिव्यांग सियाराम मदद के लिए आगे आए हैं। पूरे देश में कोरोना के कारण जहां नोज मास्क की कमी चल रही है, ऐसे में 59 वर्षीय दिव्यांग सियाराम अपनी पत्नी, बेटी और बेटे के साथ मिलकर मास्क बनाने में जुट गए हैं। प्रतिदिन कॉटन के लगभग 200 मास्क तैयार किए जाते हैं, जिनका वितरण जरूरतमंदों को निःशुल्क किया जा रहा है। सियाराम साहू ने बताया कि कॉटन के पतले कपड़े से डबल लेयर मास्क तैयार किए जा रहे हैं। एक मास्क तैयार करने में लगभग 10 से 15 मिनट का समय लगता है। इसके अलावा उनके पुत्र आशुतोष साहू जरूरतमंदों को भोजन भी उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ में वे अपने साथ मास्क भी रखते हैं। जो भी व्यक्ति बाजार में बिना मास्क के घूमते दिखाई देता है, आशुतोष उसको मास्क देते हैं और कोरोना के बारे में जानकारी भी देते हैं। सियाराम साहू बताते हैं कि 2012 में नर्मदा एक्सप्रेस से जब वो सफ़र कर रहे थे, तभी ट्रेन के भीतर कुछ असामाजिक तत्व आपस में झगड़ने लगे। उनके झगड़े के कारण सियाराम को धक्का लगा और सियाराम ट्रेन से बाहर गिर गए, बेहोश हो गए। अस्पताल में जब सियाराम को होश आया तो उनका एक हाथ नहीं था, दूसरे हाथ में भी सिर्फ एक ही उंगली साबुत बची थी। 2 महीने तक लगभग अस्पताल में उनका इलाज चलता रहा, भर्ती रहे। दुर्घटना के लगभग 2 साल बाद सियाराम ने सिलाई की प्रैक्टिस चालू की। दुर्घटना होने के पूर्व सियाराम दाएं हाथ से सिलाई मशीन ऑपरेट करते थे, लेकिन अब जैसे तैसे धीरे धीरे बाएं हाथ से प्रैक्टिस चालू की। प्रैक्टिस करते करते अब सियाराम बाएं हाथ से आसानी से मशीन ऑपरेट कर लेते हैं। मास्क के अलावा सियाराम अब हर तरह के कपड़े की सिलाई का पूरा काम भी करते हैं। उन्होंने बताया कि दुर्घटना के बाद परिचित लोगों ने दुर्घटना के संबंध में तरह तरह की बातें की थी, आक्षेप भी लगाए थे, लेकिन अब मैंने अपना हौसला बनाए रखा। सियाराम साहू का जज्बा देखकर बुधनी की ट्राइडेंट कंपनी ने भी सियाराम की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। सियाराम साहू के पुत्र आशुतोष साहू ने बताया कि रविवार को ट्राइडेंट कंपनी के कुछ लोग पिताजी से मिलने आए थे। कंपनी के लोगों ने ऑटोमेटिक सिलाई मशीन, मास्क का कच्चा माल सहित कुल सहायता की बात भी कही है। कितने दिनों से बना रहे हैं आप मास्क? मैं ये 22 तारीख से मास्क बना रहा हूँ। पर डे 200-250 मास्क बना लेते हैं हम, पूरा परिवार साथ में दे रहा है मेरा। अच्छा, आगे भी बनाएंगे? आगे भी बनाएंगे, जरूरत जैसी पड़ती जाती है वैसे बढ़ाते जाते हैं। किन किन लोगों को दिए जाते हैं आपके द्वारा मास्क? ये मेरे यहाँ सामने से जो निकलते हैं बिना मास्क के उनको दे देते हैं, जो मांगते हैं उनको दे देते हैं, जो ऑर्डर करते हैं उनको मतलब ये कि फिर सप्लाई भी कर देते हैं। ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये मेरे को टीवी के माध्यम से प्रेरणा मिली। टीवी पे मैंने देखा कि लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा, तो उसके बाद से मैं मास्क बनाना शुरू कर दिया। जीविका के लिए क्या करते हैं आप? मैं टेलरिंग का काम करता हूँ। ऐसी स्थिति में आप मास्क बनाते हैं? जी। मशीन में दिक्कत जाती होगी आपको? मशीन में दिक्कत जाती है, क्या है कि 2 उंगली पे है, ये उंगली भी पूरी डैमेज है, सिर्फ एक अंगूठा ही साफ है। ये किस तरह से हुई थी आपके साथ ये घटना? ये घटना मेरी ट्रेन से हो गई थी, बिलासपुर इंदौर से। कितने दिन पहले हुई थी? 2012 में। कब से आप मशीन चला रहे हैं उसके बाद? जी हाँ। अभी दिक्कत जाती होगी आपको जीप पे चलाने में? दिक्कत क्यों नहीं होगी भाई, मतलब कमाने वाला मैं ही। अच्छा, धन्यवाद।